ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक एम्प्लॉय टैक्स कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं, जिसमें हम एम्प्लॉय की नया वो सैलरी डालेंगे तो वो उसका टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके वो बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है टैक्स पे, इसके ऊपर सी आउट लेस देन एम्प्लॉय टैक्स कैलकुलेटर। ठीक है, एम्प्लॉय पे रोल, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय पे रोल ऐप, जो ये काम करेगा। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया, यहीं पर लेस देन लगाया, एंड लाइन लिया, यहीं पर दो लेस देन लगाया, डबल कोट्स लगाया, और यहाँ पे एक डिजाइन हमने इस तरह का इसके नीचे डाल दिया कि ये इसके नीचे डिजाइन लग गया। ठीक है, और यहाँ पर लाइन कर दिया। अब ये रन करेंगे प्रोग्राम को, तो ये देखें इस तरह से ये बनावा आ रहा है। अब दो लाइन एंड लाइन और लगा देते हैं एंड में, तो यहाँ पे इसके बाद भी दो ज्यादा बड़ा कोड हो जाएगा, तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, सी आउट लेस देन एंड लाइन लेस देन, और यहाँ पे एक और ले लिया मैंने एंड लाइन, और यहाँ पे लेके इसको कम इन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर एम्प्लॉय का इनपुट लेना है, नाम वगैरह ना, तो सी आउट करके हमने लेस देन किया और यहाँ पे लिखा एंटर एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय का जो नाम है वो यहाँ डाला जाएगा, एम्प्लॉय नेम डालेंगे, यहाँ पे कॉलन करके स्पेस देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट लिया जाएगा। अब इनपुट लेने के लिए वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे, तो वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं पहले सारे। तो एक स्ट्रिंग करके, जब भी हम किसी नाम वर्ड या फ्रेज या पूरा टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसका टाइप होता है स्ट्रिंग। इसमें ले लेते हैं ई एम पी नेम के नाम से एक वेरिएबल, जिसमें हम एम्प्लॉय का नेम स्टोर करेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद एक वेरिएबल चाहिए होगा डबल करके लेंगे, जिसमें हम एम्प्लॉय की सैलरी लेंगे। ठीक है, फिर एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम इसका कौन कौन से इसको बेनिफिट्स हमें देना है, जैसे एजुकेशन के नाम से हमने ले लिया, एक ले लिया हमने ट्रेवल के नाम से ले लिया, एक हमने डबल मेडिकल के नाम से ले लिया, ये इसको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कितने कितने परसेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, 25 इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू 30 रख दी, इसकी वैल्यू हो गया।